करके, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्होंने पार्टी पोस्ट से इस्तीफा दिया, मांगा तो किसी ने नहीं था। तो दिल्ली का नेतृत्व तो है दबाव की राजनीति में, तो वो आएगा नहीं। आपको एक बड़ा औहदा यहाँ पर दिया गया, लेकिन 200 से ज्यादा लीडरों ने रिजाइन किया था, वो कहाँ हैं अब? वो पार्टी में रहेंगे कि अब वो पार्टी छोड़कर बाहर जाने का? जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने पार्टी पोस्ट से इस्तीफा दिया, मांगा तो किसी ने नहीं था। तो दिल्ली का नेतृत्व तो है दबाव की राजनीति में, तो मीर साहब के लिए कह रहे हैं कि मीर साहब के नेतृत्व में या उनको सीएम का फेस रखकर ये लोग चुनाव, सीएम का तो जब चुनाव आएगा तब देखिए ना, अभी तो संगठन को मजबूत करने के, अब आजाद इतने दिग्गज नेता रहे हैं, उनको क्या यूटी का वो कहीं पे बनना है? तो ये मैं समझता हूँ कि यूटी में आने से वो यूटी का, कल वो आजाद साहब एक नई पार्टी बना लेते, ये सारे एक ही पार्टी में चले जाते, तो फिर नुकसान नहीं होगा इससे कांग्रेस का? पंजाब की तरह जम्मू के अंदर भी कांग्रेस में फूट डालने का प्रयास किया गया, और गुलाम नबी आजाद साहब के जो समर्थक थे, नेता थे, लगभग 200 से ज्यादा लीडरों ने, नेताओं ने इस्तीफे दिए थे, रिजाइन कर दिया था अपने पदों से, पार्टी को नहीं छोड़ा था। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर भी अब कांग्रेस का बचना मुश्किल है, और हो सकता है कि धीरे धीरे ये कांग्रेस पार्टी यहाँ जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि कल शाम को एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें रमन भल्ला को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। जब ये आवाज़ उठी थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को सीएम फेस बनाया जाए, नहीं तो ये जितने भी लीडर थे वो ये कह रहे थे कि हम अपने पदों पर नहीं रहेंगे, हो सकता है हम पार्टी छोड़ दें, तब हमने एक बात ज़रूर कही थी अपने चैनल के माध्यम से कि सीएम फेस क्यों रमन भल्ला नहीं हो सकते। आज हमें भी खुशी है कि हमने वो छोटा सा प्रयास किया था, तो इनको एक औहदा, एक पद जो है वो दिया गया है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। बहुत आपका शुक्रिया, और मैं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी और रजनी पाटिल जी और मीर साहब का सहयोग, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी जॉइंट एफर्ट्स थी, और सोनिया गांधी जी का यह फैसला था कि पार्टी को किस ढंग से और ज़्यादा मजबूती मिल पाए, जो जिम्मेवारी इन्होंने सौंपी है और भरोसा मेरे पे किया, मैं उनका शुक्रिया अदा के साथ साथ उनको मिल पाए वो कदम ज़रूर उठाएंगे मैं और मीर साहब मिलकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। जो भाजपा ने जन विरोधी नीति अपनाई, हर घर में एक ऐसा माहौल यहाँ पे है कि हर एक घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जो पहले गिनती बढ़ाई थी, आज 23 करोड़ से भी ज़्यादा गिनती जो है ऊपर हो गई। तो ये हालात यहाँ पे बने, और जम्मू कश्मीर उसे बच नहीं पाया कोरोना के बाद वो, और इनकी जन विरोधी स्टेट का दर्जा तोड़ने की बात यहाँ पे आए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24.6% से भी ज़्यादा हो जाए, जब रोज़गार नहीं मिले, हरियाणा के लोग बैंकों में आने शुरू हो जाएं, जम्मू के साथ भेदभाव किसी न किसी फील्ड में हो, चाहे फायर सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर सर्विस में हो, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? जब लोगों का चूल्हा नहीं जलेगा, महंगाई की में कंट्रोल कोई नहीं, रेत और बजरी का रेट जो गवर्नमेंट फिक्स करती है वो उसमें कोई अभी किसी तरीके से प्रॉपर तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, तो लोग परेशान है कि लोगों के पास हल क्या है? सेक्रेटरी जाना चाहे वो सेक्रेटरी में अंदर मुलाकात किसी की नहीं, डीसी में दफ्तर में जाना चाहे तो अंदर पहुंचना मुश्किल हो गया। तो लोग इस वक्त ऐसी स्थिति से गुजरे हैं, उनको एक रास्ता चाहिए, और रास्ता कांग्रेस दिखाएगी। आज जुमलों की बरसात के माध्यम से इन्होंने सियासी रोटी जरूर की, हासिल की, सत्ता हासिल की, लेकिन बनने के बाद नौजवानों को क्या हुआ? 106 से भी ज़्यादा मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के चक्कर लगा गए, और भाजपा वाले लोग आस जरूर करते हैं, ये नौटंकी नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। लोगों के जब पेट में उनका सवाल आए खाने पीने का, थाली तो इन्होंने भिजवाई थी मोदी साहब ने कोरोना भगाने के लिए, लेकिन थाली से खाना ही गायब हो गया, तो फिर लोग तो विकल्प ढूंढेंगे। और ये इन लोगों को शायद गलत फहमी है कि 2024 में हिमाचल के लोगों ने साबित कर दिया आप कहीं भी नहीं रहोगे, आंकड़े तो दिखाते हैं 50 के पार, और 50 के पार आंकड़े नहीं होंगे, ये लखनपुर के पार ही होंगे। जम्मू कश्मीर का जिस ढंग से आम आवाम जो रियासत के दर्जे तोड़ने के बाद अपने आप को अपमानित समझता है, वो तो वोट इनके खिलाफ देगा। जब किसी के घर में रोजगार जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो छीने गए, आज बैंकों की हड़ताल देख लीजिए, जो नेशनलाइज बैंक उनको भी प्राइवेट करने की बात की जा रही है, बिजली को प्राइवेट करते हुए कितने लोगों पे बोझ डालेगा, और बिजली के साथ साथ स्मार्ट सीटर हो, लोगों की तोड़ फोड़ हो, डिमोलिशन ड्राइव हो, वाइडनिंग करो, आप डेवलपमेंट करो, लेकिन साथ में रिहैबिलिटेशन पॉलिसी भी तो डिक्लेयर ओपनली करो, जिसको लोगे आप उसको कितना पैसा दोगे। आपको रिंग रोड कंप्लीट कभी हुई नहीं,
धीमी गति से काम है और पोते का 90% कम्प्लीट होगी। रिंग रोड के लिए कह रहे थे, हमने भी खबर की थी कि 15 तारीख को गडकरी साहब आएंगे और उद्घाटन करेंगे और जम्मू के लोगों को तोहफा देंगे। वो 15 तारीख तो हो गई, 15 ये तो हर बार, ये तो इनकी तो 15 दो महीने के लिए तो ये साबरमती के पैटर्न में तो झील भी स्टार्ट करने वाले थे, जिस ढंग से मेट्रो चला दी ये तो झील का भी यात्रा सपने में कर सकते हैं। ये सदन में घोषणा कर सकते हैं अभी आर्टिफिशियल लेक तैयार हो गया, आओ सैर करो। जम्मू कश्मीर में बड़ा टूरिस्ट आया, आप यात्रा तो करा नहीं सके, अमरनाथ यात्रा तो करा नहीं सके, और किसी ढंग से अगर बाकी जगह पर यात्रा हो रही है तो इसमें पाबंदी क्यों? 3 साल लोग यात्रा पे, कई लोग डिपेंड करते हैं, आएगा टूरिस्ट चल बढ़ेगा, ऑटो वाले का काम निकलेगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुछ उसकी कमाई यहाँ पे होगी, वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप बताएं कि आज कोरोना के सिलसिले में भी उनको मुआवजा देने की बात आई तो कहाँ मुआवजा दिया? किसानों की फसलें खराब हुई तो कहाँ पे वो पैकेज चाहिए था? 675 मंजूर नहीं है किसानों को, उनका जितना नुकसान हो गया इतनी भरपाई नहीं होती। तो प्राइम मिनिस्टर अगर पैकेज दे, इतने करोड़ रुपये दे दिया, आप अंबानी अडानी के कर्जे माफ़ कर सकते हो तो किसानों को राहत नहीं दे सकते? आज बॉर्डर की क्या पोजीशन है? आज जम्मू में जो हमारे सिख बरादरी के लोग थे उनकी पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ एक आस्था जुड़ी थी, आप वो भी नहीं कर पाए? वोट लेने के लिए सबसे आगे होते हो, तो उनकी जायज़ मांग है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जम्मू कश्मीर में बदलाव हो, और बदलाव तो तभी होगा जब चुनाव होंगे, तो चुनाव करवा लें। अगर इनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसे और कोई चीज़ मांगो ना तो पार्लियामेंट में भाषण देंगे, जनाब पहले कभी नहीं हुआ, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो अब क्या हो गया? अब सिविलियन क्लीनिंग नहीं हो रही, पुलिस वालों की शहादत नहीं हो रही, पूंछ में 22 दिन 25 दिन आप एनकाउंटर चलाते हो और मारने वाले का पता नहीं अभी तक पहुंच रहा। मैं एक नागरिक हूँ, मेरा एक सवाल बनता है भाजपा के लोगों से, वो कौन से आतंकवादी थे? क्या बंकर बनाए थे? क्या आपके उससे खिसक के चले गए, पाकिस्तान चले गए? और 9 फौजियों की शहादत यहाँ पे होगी, तो पूरा पूंछ तो इस सदमे में है कि पता नहीं चल रहा कि पोजिशन क्या है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए साथ हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि इनका सिक्योरिटी ग्रेड कहाँ पे है, सिलेक्टिव किलिंग कहाँ पे है? अपने पक्ष वाले लोगों को सिर्फ सुरक्षा मुहैया करवा के चुनाव करवाते हैं और विपक्ष की आप सुरक्षा खत्म करते हो, उनको सरकारी बंगले दे के मौका देते हो, भी कोई ना पंच है ना सरपंच है उनका, तो ये धुरी राजनीति क्या है? ये अंधभक्तों का राज थोड़ी चलेगा ज़्यादा देर तक। और आज लोग महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस ढंग से इन्होंने अपमानित रियासत का दर्जा छीन के किया, आज लद्दाख की हालत देख लो, आज लद्दाख और करगिल इकट्ठा होकर स्टेटहुड की मांग कर रहा है। क्या हम गलत हैं या वो गलत है? कल तक उनको ठीक बोलते थे, यूटी बना दिया तो यूटी भी ले लिया, उसके बाद काम कर रहे, अब स्टेटहुड की मांग जोर पकड़ रही है। तो MHA कहाँ पे सो है? उनका दायित्व बनता है यहाँ पे कि यहाँ के लोगों को रोजगार दें, यहाँ पे SPOs की बात करें, आप नई बटालियन खड़े करने की बात यहाँ पे करें और दीगर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें कि जाके लोगों को लगे टूरिस्ट पोटेंशियल यहाँ पे है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर यहाँ पे बना पाए हैं क्या? जम्मू का एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना पाए हैं, कश्मीर में तो बना, तो किन मुद्दों पर इन 25 आदमियों ने जो यहाँ पे लोगों से वोट बटोरे हैं? जुगल किशोर शर्मा जी संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि यहाँ पर मेट्रो जो है वो बड़ी ब्राह्मणा तक पहुँच गई है, तो उसको थोड़ा सा आगे विजयपुर में एम्स के पास अगर ले जाएं तो ये अपने आंखों को खुश कर रहे हैं कि विकास बड़ा तेजी से हो रहा है। विकास तो हो रहा है अंबानी अडानी का, विकास हो रहा है अधभक्तों का, गरीब आदमी का कहाँ पे विकास है? गरीब आदमी का चूल्हा जलना जिस ढंग से मुश्किल है, लोग परेशान है। आपका वो आयुष्मान कार्ड भी बनाते हैं तो उनको कहीं हॉस्पिटल में राहत नहीं मिलती, बीमार आदमी होते हैं, तो कहीं पे जो सुविधा देने की बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, टूरिज्म डिपार्टमेंट का हालत देखो, 30 करोड़ रुपया काम करने का लिया आया था, 4 करोड़ रुपया खर्च किया, तो कौन से अफसर थे, जिम्मेवारी किसकी थी, क्यों वो पैसा लैप्स होने के लिए जा रहा है? क्या इस वक्त पोजीशन होगी वो स्टार्ट करके खत्म हो जाए, पैसा आना भी फिर वापस भी चले जाए? आज बताओ कहीं पर सेल्फ हेल्प ग्रुप है? हम लोगों ने अगर रोजगार नहीं था तो साधन दिए थे कि रोजगार को कंपनसेट करें, इंजीनियर थे नौकरी जब आएगी करना तब तक आप ठेकेदार ले लो, सेल्फ हेल्प ग्रुप था, RET टीचर था, अब तो 2000 स्कूल मर्ज कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेवार है? ये आम लोगों को समझना है कि 10 साल तक वो टीचर की नौकरी नहीं निकलेगी तो लोग किसके पास जाएंगे? सारे KSPSC के मेंबर बन के बड़े अफसर बनेंगे तो ये स्टाफ कहाँ पे जाएगा? इसलिए लोग चिंतित इस बात के लिए हैं कि इस वक्त हमारी रियासत का दर्जा आ जाए, हमारी बात सदन में करने वाला लोकसभा के साथ राज्यसभा का मेंबर भी तो हो जाए। आज राज्यसभा में कोई मेंबर हमारा नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हेस्टी डिसीजन लिए और उसका भुगतान हमारे नौजवानों को होना पड़ा कि जिसका रोजगार छीना गया। अगर हिमाचल में या मध्य प्रदेश में हरियाणा में ऑर्डर निकालते हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा तो जम्मू कश्मीर क्यों, जब सारे लोग यहाँ पे हैं?
इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र का दर्जा जल्दी वापस हो और असेंबली के चुनाव हो। हम बात कर लेते हैं अब कांग्रेस पे, क्योंकि आपको एक बड़ा ओहदा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन 200 से ज़्यादा लीडरों ने रिज़ाइन किया था, वो कहाँ हैं अब? वो पार्टी में रहेंगे कि अब वो पार्टी छोड़कर बाहर जाने का मन बना रहे हैं? कोई नहीं, जमहूरियत है अपनी, ज़बरदस्ती तो कोई पार्टी नहीं रहता, हमें सबकी ज़रूरत है और सबको साथ लेने चलने की कोशिश के यहाँ पर करेंगे। जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने पार्टी पोस्ट से इस्तीफ़ा दिया, मांगा तो किसी ने नहीं था, तो दिल्ली का नेतृत्व है, दबाव की राजनीति में तो वो आएगा नहीं। आप बात करो अपने तरीके से, बात करो, किसने रोका? इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है, अपनी बात रखते हैं, हमें किसी ने नहीं रोका। अगर ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी बात रखो कि वो जरूरी मान जाए, हो सकता है उनका दिल्ली वालों का किस ढंग से संज्ञान लेते हैं, तो उन्होंने जो फैसला लिया होगा वो उन्होंने अपने सोच समझ के लिया होगा, तो जो ऑफिस भी नहीं तो उसको इस्तीफा क्या देना। अच्छा, तो ऐसे करके होता है कि इस ढंग से आज राज साहब को इनको इस्तीफे की ज़रूरत नहीं थी, उनका इतना बड़ा कद है तो वो खुद ही उनकी बात जो है वो जो चाहते हैं वो हो सकता है। लेकिन मीर साहब के लिए ये कह रहे हैं कि मीर साहब के नेतृत्व में या उनको सीएम का फेस रखकर ये लोग चुनाव, सीएम का तो जब चुनाव आएगा तब देखेंगे, अभी तो संगठन को मजबूत करने की बात है, हम तो कांग्रेस को मजबूत करने की बातें कर रहे हैं, अपने अपने इलाके में लोगों को जोड़ने की बातें कर रहे हैं, मीटिंग का आयोजन करके कारण मीटिंग, जब वो चुनाव का वक्त आएगा तब देखेंगे। कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है, कांग्रेस एक पोलिटिकल मूवमेंट है, कांग्रेस उस सोच उस आइडियोलॉजी का नाम है, उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना है, भाईचारे की राजनीति के साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। वो जो चुनाव जब आएगा, जब घोषणा यहाँ पे होगी, वो पार्टी तय करेगी कौन सीएम का फेस होगा। आजाद साहब तो है ही दिग्गज नेता, अगर कंपेन करेंगे तो एक प्रोस्पेक्टिव एक अच्छे लीडर के तौर पे कंपेन करेंगे ना, लोगों को सपोर्ट करेंगे, जरूरी थोड़ी है। अब आजाद इतने दिग्गज नेता रहे हैं, उनको क्या यूटी का कहीं पर बनना है? तो ये मैं समझता हूँ कि यूटी में आने से, और यूटी का छोटा सा दर्जा जिसका लेफ्टिनेंट गवर्नर देखे वो भी गवर्नर नहीं, तो ये अपने आप में एक सवाल है। तो जो 200 लीडर थे जिन्होंने रिज़ाइन किया, तो उनके रिज़ाइन करने के पीछे क्या मंशा लग रही है? कोई ये उनको पता होगा किस ढंग से वो कर रहे हैं। अगर कल वो आज़ाद साहब एक नई पार्टी बना लेते, ये सारे एक ही पार्टी में चले जाते, तो नुकसान नहीं होगा इससे कांग्रेस? कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है, कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ है, कोई ऐसी बात आजाद साहब करने वाले नहीं है, ये अपने लोगों का तबसरे है। कांग्रेस इतनी विशाल पार्टी है, कई बार होता है क्राइसिस होता है, कई बार संगमा भी था, आए थे चले गए, अर्जुन सिंह भी थे चले गए, एनडी तिवाड़ी उनका, शरद पवार ऐसे था ऐसा चलता, लेकिन आजाद साहब दिग्गज नेता है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते, हमें तो ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बढ़ाना है, लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढना है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया तो अब आपके दायित्व भी बढ़ गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप, कैसे उधार करेंगे यहाँ के लोगों को? है मेहनत करने का काम है, इतना आसानी केक वॉक नहीं है कि आराम से यहाँ पे लेंगे, चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों को स्वीकार करना बतौर कार्यकर्ता हमारा फर्ज है। हम तो स्टार्टिंग से सड़क की लड़ाई लड़ते रहे हैं, सड़क की आवाज़ सदन में सुनाई दे या असेंबली हाल में, उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले, एक सहारा मिले, सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत कर पाए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें, प्रियंका गांधी के हाथ को मजबूत करें, क्योंकि लोगों के सामने जो जुमले रखे थे इन्होंने, गंगा साफ करा देंगे, गंगा में साफ कहीं नहीं, लाशें ही देखी लोगों ने भी देखी, उसके किनारे पे रेत में दफनाते लोगों को देखा, तो आज कहाँ पर वो चीज़ें हैं? आज जो स्थिति यहाँ पे हिंदुस्तान में जो पैदा यहाँ पे कर दी है, रेफ्यूजियों को गुमराह करके वोट ले लिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तो कहीं पे भी लोगों को राहत नहीं है। महंगाई इनको मजबूर करेगी जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में बदलाव लाने के लिए, और मैं समझता हूँ हिमाचल ने करके दिखाया बदलाव, अब जम्मू कश्मीर जहाँ पे भी चुनाव होंगे वहाँ पे बदलाव की राजनीति होगी। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रमन भल्ला जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, और ये यहाँ पर एक ही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को किस तरह से मजबूत किया जाए, उनकी विचारधारा को किस तरह से लोगों तक, जन जन तक पहुँचाया जाए, और जो लोग गुलाम नबी आज़ाद के समर्थक थे तो उनके लिए अब थोड़ा सा परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने तो जोर शोर से कह दिया था कि हम पद से इस्तीफे दे रहे हैं, हम यहाँ पर आज़ाद साहब को अपना चेहरा देखना चाहते हैं, तो उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है। और ये भी गोलमोल ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कोई नई पार्टी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर दिख सकती है? क्योंकि 200 से ज़्यादा लीडर जो हैं उन्होंने अपने पदों से इस्तीफे दिए थे, रिज़ाइन किया था, तो ये भी आने वाले समय में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर कांग्रेस को
क्या यहाँ पर आगे ही वैसे ही नुकसान हो रहा है, तो क्या और नुकसान होगा? इस नुकसान की भरपाई जो है वो किस तरह से होगी? बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।